रूपाणी जीरो कोचिंग सेंटर में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल के बारे में बताया था दोस्तों, तो जिसमें और अन के बारे में बताया, आज हम जानेंगे कि द कहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों अगर जो भी आर्टिकल का वीडियो नहीं देखने का वीडियो है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। तो सबसे मैंने आपको सिखाया था दोस्तों कि पहले द का यूज कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे द का यूज दोस्तों वोकल साउंड रहता है, जहाँ पे वोकल साउंड रहता है वहाँ पे हम लोग दी का पढ़ते हैं दोस्तों, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रहता है, वहाँ हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों दी एप्पल। इसमें दोस्तों द बॉय, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज जानेंगे कि आर्टिकल द का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। द क्या है? डिटरमिनर्स है। द क्या दोस्तों? द हमारा डिटरमिनर्स। लेकिन आर्टिकल में दोस्तों इसको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है दोस्तों, डिफरेंट में रखा गया है। इसको जानेंगे कि हम लोग इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला यूज है दोस्तों कि कोई भी यूनिक पर्सन हो या यूनिक चीज हो या थिंग्स, यानी विथ विथ यूनिक पर्सन या दोस्तों थिंग्स। जैसे यूनिक पर्सन बोलने का मतलब है दोस्तों कि सेवल सिर्फ इस पृथ्वी संसार में दोस्तों सिर्फ एक ही है। जैसे एग्जांपल, आइए एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है यूनिक पर्सन थिंग दोस्तों। तो जैसे द अर्थ, द सन, द स्काई, तो सबसे पहला सीखे हम लोग कि जहां की यूनिक पर्सन। तो थर्ड में क्या है दोस्तों कि जितने भी फेमस बिल्डिंग है दोस्तों या मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उसके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे विथ फेमस, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम्स, जितने भी फेमस बिल्डिंग है और मॉन्यूमेंट्स स्मारक है दोस्तों और म्यूजियम्स हैं, उसके पहले द का यूज करते हैं। एग्जांपल में है दोस्तों द लाल किला, द ताज महल, द कुतुब मीनार, द एफिल टावर, द बुर्ज खलीफा। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब फेमस बिल्डिंग है, उसके पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। या कोई स्मारक होगा दोस्तों, उसके पहले भी द का यूज करेंगे। या कोई म्यूजियम्स होगा दोस्तों, उसके पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। विथ विथ सुपरलेटिव डिग्री, एग्जाम्पल में देखते हैं द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हम लोग जितने भी ऑर्डिनल नंबर है उसके पहले भी द का यूज करते हैं दोस्तों, विथ ऑर्डिनल नंबर्स। एग्जाम्पल है दोस्तों द लास्ट, द फर्स्ट वीक, तो उसके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वैसे कंट्रीज नेम दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम या स्टेट्स या रिपब्लिक इंक्लूड है दोस्तों, उसके पहले भी हम लोग, तो आइए जानते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्रीज ऑफ इंक्लूड यूनाइटेड किंगडम स्टेट्स एंड रिपब्लिक, तो उसके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल में है दोस्तों द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड
किंगडम, ठीक है दोस्तों। और वैसे भी कंट्रीज नेम जो प्लूरल होते हैं दोस्तों, उसके पहले भी द का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल में है दोस्तों, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट है कि जितने भी नदी के नाम, महासागर का नाम और कैनाल्स के नाम दोस्तों, उसके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। विथ, रिवर्स, ओशियन एंड कैनाल्स, ठीक है दोस्तों। एग्जांपल में देखते हैं, द गंगा, द पैसिफिक ओशियन। तो जितने भी सागर महासागर हैं उसके पहले भी द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हम लोग ओनली के पहले और ऑल के बाद भी यूज करते हैं दोस्तों। बिफोर, बिफोर, ओनली, आफ्टर, आफ्टर ऑल, यानी ऑल के बाद भी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द ओनली पर्सन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है दोस्तों द, सॉरी नेक्स्ट है दोस्तों, ऑल द बुक्स आर हियर। तो ऑल के बाद भी हम लोग द का यूज किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, होली बुक्स हैं, उसके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं दोस्तों। विथ, विथ होली बुक्स। एग्जाम्पल है दोस्तों, द रामायण, द गीता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्या, और हम लोग का यूज भी दोस्तों फैमिलीज के नेम हम उसके पहले भी हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। विथ द नेम ऑफ, द नेम ऑफ फैमिलीज, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जांपल में द गुप्ता, द राणा, द खान्स। एग्जाम्पल, द गुप्ताज, द खान, द रानाज। जितने भी फैमिली नेम है उसके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। हम लोग जानेंगे कि द आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, तो आइए जानते हैं। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिफोर, बिफोर डिजीज, ठीक है दोस्तों। बिफोर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, उसके पहले भी हम लोग द का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। कितने भी लैंग्वेज हैं दोस्तों, उसके पहले भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। बिफोर लैंग्वेज, बिफोर लैंग्वेज, जितने भी भाषाएं हैं उसके पहले भी द का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। जैसे द हिंदी, द इंग्लिश नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। जितने भी दोस्तों कंट्री नेम है उसके पहले भी यूज नहीं करते हैं। बिफोर, बिफोर कंट्री नेम। जैसे एग्जांपल दोस्तों, द इंडिया, द पाकिस्तान नहीं होता है, उसमें आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रॉपर नाउन में भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बिफोर, बिफोर प्रॉपर नाउन, नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले दोस्तों द का यूज नहीं करते हैं। जैसे द राम, द सीता नहीं होता है दोस्तों। और है दोस्तों नेक्स्ट, जितने भी हॉस्पिटल का नियम है दोस्तों, गॉड है हमारे, भगवान है, और जितने भी स्कूल का नियम है दोस्तों, उसके पहले भी द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बिफोर, बिफोर हॉस्पिटल, स्कूल एंड गॉड। जैसे दोस्तों कोई भी स्कूल नेम है, जैसे शिशु मंदिर, द
द होली एंजल्स पब्लिक स्कूल, तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। स्कूल का कोई भी नेम के पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम जाने कि आर्टिकल द का यूज कहाँ करते हैं और आर्टिकल द का यूज कहाँ नहीं करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोग के बीच लाएंगे दोस्तों आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आपको आर्टिकल का अगर पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना।